तो दोस्तों, अब हम खोया बनाने की तैयारी में हैं। लगभग 2 केजी दूध लिया है हमने। इंडक्शन इलेक्ट्रिक चूल्हा है, हालांकि लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए थी और आग में इसको बनाया जाता तो कुछ और अच्छा रहता, लेकिन चलो कोशिश कर रहे हैं कि इंडक्शन चूल्हे में ही हम खोया बनाएं। तो लगभग 2 केजी दूध हमने लिया है और सेट कर रखा है हमने 1000 में। उससे अभी कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ध्यान रखना है कि ये तला ना लगे इसमें, इसको हिलाते रहना है लगातार, और दूध पकते पकते जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसको हिलाते रहना हमने तब तक का। एक्चुअली अब ये डाड़ू लिया है, इससे काम चलेगा नहीं, अभी तो चलो चल रहा है। हमें चाहिए होगा पलटा, तो हम पलटा ले लेते हैं। ये लिया हमने पलटा, तो पलटे से इसको हिलाते रहेंगे और आपको दिखाते हैं जब ये बनके तैयार हो जाएगा। तो भैया, जैसे कि आप देख रहे हो, दूध अब आधे से भी कम रह गया है। देखिए, जैसे इसका कलर देख रहे होंगे आप, भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लगी है। अब ऐसे ही इसको हम घोटते जाएंगे। देखो, जैसे कि देख रहे हो, मैंने हल्की आंच में रखा है। अभी इसको ऐसे ही घोटते हुए जाएंगे तो हाँ मिलेगा एक प्योर खोया। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, हमारा खोया बनके लगभग तैयार है। लगभग 5 मिनट की ऐसे ही और चलाना पड़ेगा, खोया पूरा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, पूरी हल्की आंच में रखा है मैंने अभी ये लास्ट। नीचे तला ना लग जाए इसलिए इसको घुमाते रहना पड़ेगा। लगभग 4 से 5 मिनट ऐसे ही और घुमाएंगे, उसके बाद खोया बनके तैयार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा खोया लगभग बनके तैयार है। बिल्कुल हल्की आंच में इसको चला रहे हैं ताकि नीचे तला ना बैठे। बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी गाय का पहाड़ी खोया, दानेदार, खुशबूदार, बिल्कुल भीनी भीनी सी खुशबू इसकी, बहुत प्यारी सी खुशबू। देखिए, जैसा कि लगभग 2 से 2.5 लीटर दूध लिया था हमने और लगभग 300 ग्राम ये खोया बनके तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं कितना आपको खोया चाहिए और कितना उसके लिए तुम्हें दूध चाहिए होगा। ये देखिए, बहुत अच्छा खोया है यहाँ पर, बहुत ही प्योर।